हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। देश भर में गाय के नाम पर सियासत की जा रही है। कोई गाय के नाम पर किसी की जान ले रहा है तो कोई गो भक्ति जताकर अपने आप को महान साबित करने में लगा है। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू मुसलमान मिलकर एक गो हॉस्पिटल का निर्माण करने वाले हैं। इस गो हॉस्पिटल के लिए 14 एकड़ जमीन खरीद ली गई है, जिसका मॉडल भी बनकर तैयार है। शास्त्री जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर किया गया, जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत जी मूल है। इस मेन रोड से गेट से यहाँ एंट्रेंस होगा, लगभग 60 फीट चौड़ा ये रोड जो है बंदर बनेगा। गांवों के लिए शेड है, इस शेड के अंदर गाय जो रहेगी और बीच में जो है वो ग्रास गोडाउन रहेगा। मतलब इन दोनों गोडाउन से जो है ये दोनों शुभ गांव मंदिर अध्यात्म गौ मंदिर बैक साइड के अंदर है। इसी के पास में यहाँ पे एक प्रवचन स्थल रहेगा, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का। इस गो हॉस्पिटल को बनाने में अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट और खंडवा के मुस्लिम समाज जन मिलकर सहयोग करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए, शास्त्रों के अनुसार भी और पूर्वजों की परंपरा के अनुसार भी जो सबसे बड़ी सेवा है वो गौ माता की सेवा है। क्योंकि हम सब भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और भगवान कृष्ण जो हैं वो गौ माता की सेवा करते हैं। पूरा संसार भगवान कृष्ण के पीछे घूमता है और भगवान कृष्ण गौ माता के पीछे घूमते हैं, इसलिए वो सेव्य हैं श्री कृष्ण की। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सभी गौ माता की सेवा करें। पिछले वर्ष जब मैं यहाँ कथा करने आया तो सहसा हम सभी लोगों का एक संकल्प हुआ कि हम खंडवा की पावन भूमि पर एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करें, जिससे कि मध्य प्रदेश की दूर दूर से आई हुई गौ माता जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, घायल हैं, उनका हम लोग निःशुल्क इलाज करें। तो उसी समय हमने प्रधानमंत्री जी के अनुज पंकज भाई मोदी जी के साथ ये संकल्प लिया था। आज वो मंगल घड़ी आई है जो कि इसका एक सुंदर मॉडल बनाया गया था। 14 एकड़ भूमि इसके लिए क्रय की गई है जो छैगांव माखन में सिरसौद रोड पर है, और वो जो मॉडल हमने बनाया है उसका आज अनावरण हुआ है। और विशेष खंडवा के मुस्लिम समाज के सहयोग की कामना करते हुए उन्होंने आश्वासन हमको दिया है, वो शामिल हुए हैं। आगामी 4 नवंबर को, जिस दिन गोपाष्टमी है, जिस दिन भगवान ने गायों का गोचारण किया था, उस परम पावन दिवस पर हम लोग इस भूमि का भूमि पूजन करेंगे। और हमारा प्रयास है कि ठीक एक वर्ष के अंदर इस हम पूरे प्रकल्प को, जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें गौ माता के बड़े बड़े शेड रहेंगे, बछड़ों के लिए अलग निवास रहेगा, नंदियों के लिए अलग रहेगा, घायल और बीमार गायों के लिए अलग व्यवस्था होगी, डॉक्टरों का निवास होगा, वर्कर्स का निवास होगा, रिसर्च सेंटर होगा, मेडिकल होंगे, 2 मंदिर होंगे, गौ गोपाल मंदिर होगा, 4 एम्बुलेंस हम लोग रखेंगे ताकि 100-200 किलोमीटर दूर भी अगर कोई गौ माता घायल बीमार हो तो उसे हम ला के इलाज कर सकें, और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये हॉस्पिटल तैयार होगा। खंडवा शहर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अनोखी मिसाल पेश की है पंडित शास्त्री जी ने, और इसमें तमाम मुसलमानों को उन्होंने आमंत्रित किया है। ये तमाम लोगों ने ये निश्चय किया है कि इस काम के लिए हम कंधे से कंधा लगा करके इस काम को सफल करेंगे, इस काम को पूरा करेंगे। वो सेवा के रूप में बनने वाली चिकित्सालय और मंदिर के नाम से भी खंडवा शहर की पावन भूमि जानी जाएगी। एक एकता का, मोहब्बत का, अखलाक का
पैगाम है। अगर इस तरीके का पैगाम तमाम विचारधारक पंडित और मौलवियों के साथ में अगर जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया बने और यहाँ का दिन दूना रात चुगनी जो तरक्की है वो विकास है वो होता। खंडवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर सिरसोद ग्राम में एक सर्व सुविधा युक्त गो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इस गो हॉस्पिटल को हिंदू मुसलमान एकता के लिए एक प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है।